अभी हम लोग आए हैं बिलासपुर से रायपुर वापस। आप लोगों को पता लास्ट कंटिन्यू आ रहा है तो दिन में तीन टाइम आज क्योंकि लास्ट 6 दिन में 5 दिन में ट्रैवल किया हूँ भाई। और गाइस देयर इज अ वेरी 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 गुड न्यूज का टाइमिंग और मेरा सिर इतना दुख रहा है। हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग वापस रायपुर पहुंच के। अभी हम लोग आए हैं बिलासपुर से रायपुर वापस। आप लोगों को पता लास्ट नाइट शादी अटेंड करना था और काफ़ी ठीक रहा। फिर हम लोग 1:30-2 बजे सो गए, फिर उसके बाद अभी सुबह 6:30 बजे उठ के 7 बजे निकल गए और अभी हम लोग 9:30 के आसपास पहुँच गए हैं रायपुर। अभी मैं जाऊंगा वापस रूम, फिर से तैयार होऊंगा और फिर निकल जाऊंगा ऑफिस के लिए। तो काफ़ी आज का दिन थकान भरा रहेगा मेरा भाई। अभी हुआ है लंच का टाइमिंग और मेरा सिर इतना दुख रहा है, इतना नींद आ रहा है, मैं क्या बताऊं। कैसे कैसे आज दिन कट रहा है और अभी कितने बजे 1:30, बाकी टाइम कैसे कटेगा पता नहीं। सो गाइज मैं निकल चुका हूँ ऑफिस से जस्ट अभी, मतलब 5-10 मिनट हुआ है। 6 बजे आज सर हम 2-3 लोग को छुट्टी दे दिए क्योंकि पहला तो मेरा थोड़ा तबीयत डाउन हो रहा था और हमारे बीपी जी सर के साथ बैठे थे तो वो बता दिए कि थोड़ा इसका तबीयत डाउन है। तो सर बोले क्यों रुके हो, चले जाओ, क्योंकि बस मीटिंग के लिए रुकना था और मीटिंग उतना मतलब ठीक ठाक था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं था मेरे को अटेंड करना। तो सर बोले कि चले जाओ तो मैं निकल गया हूँ। 6 बजे छुट्टी दे दी, अभी 6:30 हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अभी चलते हैं आराम से घर। मेरा तबीयत हो चुका है ख़राब एज एक्सपेक्टेड, मेरे को एक्सपेक्टेड था क्योंकि लास्ट 6 दिन में 5 दिन में ट्रैवल किया हूँ भाई, बहुत ज़्यादा हो चुका है मेरे लिए। मेरे ख्याल से आज से पहले इतना मैं कभी किया ही नहीं हूँ क्योंकि उस 5 दिनों में 4 दिन तो मैं तक बिलासपुर रायपुर ऐसा 4 बार हो गया और फिर 1 दिन जब घर पे था तो बिलासपुर गया था, तखतपुर बिलासपुर हो गया, उसमें भी सुबह रात। और थोड़ी सी आज मॉर्निंग में आते टाइम ठंड ज़्यादा थी तो मेरे को लग ही रहा था थोड़ा बहुत ख़राब हो गई होगा। तो अभी थोड़ा तबीयत डाउन हो चुका है भाई, मेरा पूरा बॉडी ना एग्जॉस्ट हो चुका है भाई, लिटरली बता रहा हूँ मैं थक चुका हूँ बहुत बुरे टाइप से क्योंकि नींद नहीं मिल रही और इतना ज़्यादा ट्रैवल रेस्ट है ही नहीं। कंटिन्यू ऑफिस जाना, कंटिन्यू सिस्टम के सामने बैठना, आप लोगों के लिए वीडियो एडिट करता हूँ, बिल्कुल भी रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा मेरे को। तो अब मेरा कुछ दिनों का प्लान ये है कि मैं थोड़ा रेस्ट करूँ, वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा 2-3 दिन ट्रैवल नहीं करूँगा मैं, बिल्कुल भी कहीं घूमने नहीं जाऊँगा ऑफिस से घर, घर से ऑफिस बस, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी कंटेंट है अपलोड करने के लिए। वो ब्रेक नहीं होगा, बस वीडियो एडिट पे ज़्यादा ध्यान देना है, खुद पे थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देंगे क्योंकि भाई इतना अपने हेल्थ को रिस्क पे लेना किसी भी पॉइंट से सही नहीं होता है। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कभी भी ऐसे इतना ट्रैवल मत किए करो अनटिल एंड अनलेस नेसेसरी हो। मेरे को लगता है कि कल शायद मेरे को नहीं जाना था शादी वाले में लेकिन चले गए, तो अब क्या कर सकते हैं। अगर आज का दिन रेस्ट हो जाता ना, मतलब वहाँ जाके वहीं रह जाता तो सही रहता, लेकिन क्या करें, हमारे में ही चूल था, सुबह सुबह आ गए, ऑफिस ज्वाइन करना है, ऑफिस जाना है, ऐसा सोच के तो ओके। और गाइस देयर इज अ वेरी 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 गुड न्यूज़। तो एक सेकंड, सॉरी नहीं ठुका ना, बच गया। तो गाइस देयर इज अ गुड न्यूज़, और गुड न्यूज़ ये है कि फाइनली मेरा 1 मंथ का पेमेंट आया आज और उसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी ज़्यादा। और मेरे पास अभी वर्ड्स नहीं हैं, मतलब अभी तो मैं नॉर्मल हो गया हूँ, मेरे को पता था आज आ जाएगा तो पहले से थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड था
फिलहाल एक काम करता हूँ, मैं अपने लिए थोड़ी सी मेडिसिन ले लेता हूँ बुखार की, और यस दवाई दुकान भैया फीवर की गोली दे दो ना इसके लिए, मेरे लिए 22 हिज चले ना सुबह शाम, कल की नहीं आ रहा तो दिन में तीन टाइम, आज ही स्टार्ट हुआ है सुबह से, और आप भी आए, हाँ मतलब ट्रैवल किया हूँ ना ठंड में थोड़ा सा, तो दिन में तीन टाइम किए ना, दो तीन टाइम ठीक है, दोपहर रात, थैंक यू। चलो भाई मेडिसिन हो गया, अब चलते हैं भाई, ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया, मैं अपने दोस्त को बोला कि यार आज कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है, तो वो बोलता है हम लोग थोड़ा लेट से निकलते तब तक ट्रैफिक ख़त्म हो गया रहता है। डर लगता है भाई मेरे को रायपुर में गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा। चलो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि हमारा पेमेंट वेमेंट आ चुका है और थोड़ा काफ़ी खुश है हम, और अभी मैं मतलब इससे पहले काफ़ी सोच रहा था कि यहाँ यहाँ खर्च करना है, लेकिन मैं अभी जब आया उसके बाद ना मैं बोला अरे भाई ये तो ऐसे ख़त्म हो जाएगा जिस हिसाब से सोच के रखा था, तो अभी थोड़ा सा हाथ को टाइट रखते हैं, बाद में आराम से खर्चा करेंगे। तुम लोग ना मतलब तुम लोग क्या कोई भी आज मेरा फेस देख रहा है ना तो बोल रहा है भाई कितना थकान दिख रहा है तेरे फेस पे, कितना थका हुआ दिख रहा है। आज मैं ऑफिस गया तो ऑफिस वाले बोलते तू सोया नहीं है क्या, तो मैं तो सोया हूँ लेकिन बहुत कम सोया हूँ, हाँ जिस हिसाब से ट्रैवल हो रहा है उस हिसाब से बस रेस्ट नहीं मिल पा रहा है गाइस, और मेरे ख्याल से आज मैं इतने ही व्लॉग कर पाऊँगा, मैं घर जाके आज बस रेस्ट करना चाहता हूँ, सो मेरे ख्याल से मैं व्लॉग यहीं पर एंड कर देता हूँ। ये थोड़ा सा अपडेट ले लो आज आप कि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, हालांकि मैं कल भी व्लॉग करूँगा, परसों भी व्लॉग करूँगा, कंटिन्यू व्लॉग करूँगा, छोड़ूंगा नहीं अभी तो, सो वो सब अपडेट आपको मिलता रहेगा, लेकिन अभी इतना है कि बहुत थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो चुका है, सो ठीक है, सो यस गाइस दैट्स इट फॉर द व्लॉग, मिलते हैं किसी और व्लॉग के साथ किसी और दिन, तब तक के लिए दिस इज मी करण सिंह साइनिंग ऑफ एंड यू आर वॉचिंग अनकट व्लॉग्स, प्लीज़ प्रे करना जल्दी ठीक हो जाए, मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा तबीयत ख़राब होगा।